Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Shisre Gohar, reaching out to you from Aphrodite Palmistry. हमें ये जानकर बहुत हैरत होती है कि पामिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान हमारी पर्सनालिटी को इतने अच्छे से कैसे पहचान लेते हैं। आप माने या ना माने, पर सदियों से चले आने वाला ये इल्म आपकी पर्सनालिटी, रिलेशनशिप, हेल्थ, ट्रैवल, करियर के बारे में सही मालूमात फराहम करता है। इनमें से कुछ भी एक पामिस्ट की आँख से छुप नहीं सकता। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी पाम आपके बारे में रिवील करती है। नंबर वन इज़ यू हैव ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। सिर्फ हाथों की लाइंस के बारे में ही नहीं, बल्कि पामिस्ट्री आपके हाथों की शेप और साइजेस से भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताती है। जिन लोगों की उंगलियां उनकी हथेली के बनिस्बत लंबी होती हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, हर एक बात की डिटेल में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं और ऐसे लोग बैड प्लानिंग करते हैं। मोस्टली ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं क्योंकि माइनर से माइनर डिटेल की तरफ भी ध्यान रखते हैं, पर इनके प्लानिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। नंबर टू, हेल्थ इश्यूज़। जिनकी लाइफलाइन बहुत प्रॉपर होती है, कर्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहते। ऐसे कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहते, उनकी लाइफ में हेल्थ की वाइटलिटी रहती है और वो बहुत सेहतमंद होते हैं। अगर आपके हाथ में हेल्थ लाइन मौजूद है तो वो बहुत बेनिफिशियल है, पर अगर हेल्थ लाइन एब्सेंट है, वहाँ पर नहीं है, तो लाइफ लाइन की कर्वनेस ही ये बताएगी कि आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी जा रही है। जिन लोगों की लाइफ लाइन वीक होती है, उसका मतलब ये होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी इशूज़ होते हैं। और अगर आपकी हेल्थ लाइन और आपकी लाइफ लाइन एक ही पॉइंट से निकल रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगी। अगर आपकी हेल्थ लाइन आपकी लाइफ लाइन के अंदर से निकल रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको जेनेटिकली डिजीज़ मिलेंगी, जो जेनेटिक डिजीज़ हमारी फैमिली से हमारे तक आती हैं वो। अगर आपकी हेल्थ लाइन चेंज है, एक चेन की फॉर्मेशन है हेल्थ लाइन पे, तो भी आपको स्टमक इश्यूज, लिवर इश्यूज और हार्ट इश्यूज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। इफ़ दैट इज़ प्रेजेंट इन योर हैंड, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हार्ट, योर स्टमक एंड योर लिवर। नंबर थ्री, सेल्फ सेंटर्ड। हार्ट लाइन आपकी पर्सनालिटी और आपके हार्ट की कंडीशन के बारे में बताती है। हार्ट लाइन जितनी ज़्यादा क्लियर होगी, उतना ही ज़्यादा इंसान का हार्ट एक अच्छी और स्टेबल कंडीशन में प्रेजेंट होगा। अगर किसी के हार्ट की लाइन के लास्ट में फोर्क टाइप यानी कि दो शाखा बना हो, इसका मतलब है कि ये इंसान बहुत अच्छी पर्सनालिटी का मालिक है, वार्म हार्टेड है, इसमें कोई भी फेकनेस नहीं है, हर इंसान के साथ ये बहुत लविंग है। पर अगर हार्ट लाइन शॉर्ट होगी या वीक होगी, तो बिल्कुल बात इससे रिवर्स होगी कि ऐसा इंसान अलोन रहना पसंद करेगा, बिल्कुल भी लविंग नहीं होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, सिर्फ अपनी ही बात सुनेगा और उसे दूसरों में क्या सोसाइटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, सोशली ऐसा इंसान ऑकवर्ड होगा। नंबर फोर, फैमिली लव। अगर आपकी थंब की बेस पर डार्कर लाइंस प्रेजेंट हैं, टू या थ्री लाइंस प्रेजेंट हैं, तो ऐसे इंसान को अपनी फैमिली के साथ बहुत प्यार होता है। उसके लिए सिर्फ उसकी फैमिली ही इम्पोर्टेंट होती है, फैमिली की प्रायोरिटीज़ ही उसकी प्रायोरिटी होती है। और अगर थंब के बेस की लाइन स्प्लिट होके टू में चेंज हो रही है या कोई भी इसमें ब्रेक डाउन है, तो ऐसे इंसान को अपनी फैमिली से बिल्कुल भी प्यार नहीं होता। नंबर फाइव, मिसफॉर्चून। हमारे हाथों में मौजूद कुछ ऐसे निशान होते हैं जिनकी वजह से हमें हर चीज़ के मामले में सेटबैक्स देखने पड़ते हैं, नाकामियां देखनी पड़ती हैं। वो निशान होते हैं कि आपकी पाम में मौजूद होगा आपकी लाइफ लाइन पर एक चेन की फॉर्मेशन। जो आपकी लाइफ लाइन पर चेन की फॉर्मेशन होगी, वो हमेशा आपके लिए बैड लक, हार्ट ब्रोकन और डल, लेजीनेस इसकी निशानी होगी। लाइन ऑफ अपोलो, सन लाइन यानी कि सक्सेस लाइन। अगर ये आपके हाथ में प्रेजेंट है और प्रोमिनेंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई भी सेटबैक नहीं आएगा। अगर ये माउंट ऑफ मून से अबव जा रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको करियर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी। अगर ये वेवी हो, तब भी आपको करियर में सेटबैक्स देखने पड़ेंगे। नंबर सिक्स, इंपेशेंट बिहेवियर।
अगर आपके पाम की शेप वाइड है, अगर आपके पाम की शेप एक स्पैचुला से मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत इम्पेशेंट इंसान हैं और काफ़ी ज़्यादा हर बात में कीनली ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे लोग स्टडीज़ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि वो हर बात को कीनली ऑब्जर्व करते हैं, पर इनका ये मसला है कि वो क्योंकि बहुत इम्पेशेंट होते हैं तो अपने फ़ैसलों की वजह से वो हमेशा अपने आप को अनसेटल्ड फील करते हैं। क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ये लोग अपने करियर में एक्सप्लोरर या एस्ट्रोनॉट जैसा कोई भी करियर चूज़ करें। नंबर 7, इमेजिनेटिव एंड यूनिक। रिंग फिंगर का इंडेक्स फिंगर से लंबा होना भी आपके आर्टिस्टिक बिहेवियर को शो करता है। रिंग फिंगर हमेशा अपोलो फिंगर है जो कि लव, ब्यूटी, आर्टिस्टिक बिहेवियर को शो करता है। और ऐसे लोग रिजल्ट एंड डेस्टिनी ओरिएंटेड भी होते हैं, जो वो काम स्टार्ट करते हैं उसको प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं। अगर आपकी हेडलाइन माउंट ऑफ जुपिटर से स्टार्ट होकर माउंट ऑफ मून तक जा रही है, तो आपकी इमेजिनेशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो बैड साइंस हैं लाइक क्रॉस या आईलेट्स, वो भी आपकी इमेजिनेटिव पावर को कोई भी असर नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है और वो ऐसे लोगों में सराउंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं जो उनको अप्रिशिएट करें। नंबर 8, ग्रेट कैरियर एंड प्रॉस्पेरिटी। कैरियर और प्रॉस्पेरिटी हमेशा फेट लाइन से ही इंडिकेट करते हैं। अगर आपके पास एक वीक फेट लाइन है, किस्मत की लकीर वीक है, तो ऐसे इंसान को पॉवर्टी का या फिर जॉब्स में कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। पर अगर आपके पास एक थिक और डीपर या डार्कर फेट लाइन है, तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि आप लोग बहुत अच्छे फेट के मालिक हैं। ब्रांच फेट लाइन करियर प्रॉस्पेरिटी को जाहिर करती है। अगर ये ब्रांच फेट लाइन आपकी हेडलाइन से ऊपर जाकर चेंज हो रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि अराउंड 35 ईयर्स की एज में आपको प्रमोशन मिलेगा। नंबर 9, सेटल इन अब्रॉड। लाइफ लाइन सिर्फ यही इंडिकेट नहीं करती कि आप कितनी देर जिंदा रहेंगे, बल्कि ये भी इंडिकेट करती है कि आप किस क्वालिटी की लाइफ को स्पेंड करेंगे। और अगर लाइफ लाइन के लास्ट पे अमाउंट ऑफ लूना पे फॉर की फॉर्मेशन हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ अब्रॉड गुजारेंगे। अगर आपकी लाइफ लाइन माउंट ऑफ लूना की तरफ जा रही हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको वर्ल्ड टूर करने की डिज़ायर है। माउंट ऑफ लूना से माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जाने वाली लाइन आपके बहुत अच्छे ट्रैवल को इंडिकेट करती है। नंबर 10, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी यानी कि रूहानियत हमेशा हमारे माउंट ऑफ मून पे जो इंट्यूशन लाइन है वो रूहानियत को इंडिकेट करती है। ये लाइन हर एक के हाथ में प्रेजेंट नहीं होती, पर जिन लोगों के हाथ में ये लाइन प्रेजेंट होती है, ऐसे लोग फेस रीडिंग, पैमिस्ट्री, रूहानियत में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। और ये लोग दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका सलूशन बताते हैं। इंट्यूशन लाइन आपको इतना वल्नरेबल बनाती है कि आप अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों की इमोशंस को भी समझ सकें। ये लाइन हर एक के हाथ में प्रेजेंट नहीं होती, पर जिनके हाथ में प्रेजेंट होती है वो लोग बहुत रेयर होते हैं। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ येस, देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। Now we'll meet with the next video. Till next time, fi amanillah.